हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेले बुलेटिन पूजा के संगे। रीवा के ऐतिहासिक जय स्तंभ का बचावा खिलाने रीवा नगरी निकाय चुनाव के वार्ड नंबर 11 के युवा प्रत्याशी समाज सेविका और पत्रकार अनीता पांडे जय स्तंभ पहुँच के उखा बचावे खातिर संकल्प लिन। अपना का बताई दी कि अब तक कौनो राजनीतिक दल जय स्तंभ बचावे के बाद का आपन चुनावी मुद्दा नहीं बनाई नहीं आए। हम लोग अभय वर्मा जी और दीपक गुप्ता जी के साथ हम लोग यहाँ पर, और अनीता पांडे जी भी आई हुई है, उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें। और हम लोग ने 24 फरवरी से लेकर 10 मई तक इसको दीप प्रज्वलन यहाँ लगातार किया 75 दिन तक, और फिर उसका लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस समय चुनाव आ गए हैं तो चुनावी मुद्दा भी है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जय स्तंभ अपनी पुरानी धरोहर है, इसको हम सबको बचा के रखना हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। और इसमें अपने समाज से भी बीच बीच में इस चीज़ की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और इसमें मैंने भी कई बार अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई बार जय स्तंभ का मुद्दा उठाया और पुरानी धरोहर के जो अपने हैं उन सबको बचाने के लिए। बात करी थे सिंगरौली के, जहां से मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर आदिवासी बहुल इलाका जो उनके चितरंगी आए उमा भोपाल तक वो इलाका चर्चा में हवे। अपना का बताई दे कि भाजपा और कांग्रेस के आला कमान के नज़र अबे जनपद में हवे। कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दे वहाँ का सबसे पहला जो गर्मी में समस्या आता है पानी का है। वहाँ पानी के लिए जब गर्मी आ जाता है 5 किलोमीटर दूर बच्चियाँ डब्बा लेके जाती हैं पानी भरने। और दूसरा चीज़ है कि वहाँ कॉलेज के लिए भी हमारा मेन मुद्दा है, कॉलेज के लिए बच्चियाँ बाहर जाती हैं, या तो चितरंगी आएँ 40-50 किलोमीटर, या तो फिर UP पढ़ें। चुनावी माहौल में जिस ढंग से बरसात में मेढक उड़ने लगते हैं, उसी तरह से जो व्यक्ति सिंगरौली नगर निगम का महापौर रहा हो और कभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कभी ध्यान न दिया हो, और आदिवासी होने के नाते कि मैं भविष्य में यहाँ के नेता बनेंगे, इस कारण से अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी भूल है और जनता उनको सबक सिखाएगी। रीवा के रघुनाथगंज माही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर माही कार्यक्रम के आयोजन कीनगा। ए अवसर माही संस्थान के निदेशक सुनील शुक्ला लोगन का संबोधित कई के कहिन के आयुर्वेद और योग हमार प्राचीन भारत के धरोहर है, और यहाँ के ऋषि मुनि शरीर और मन का स्वस्थ रखे खातिर योग और आसन के साथ प्राणायाम के महत्व का बताई नहीं बे। ऐसे माही भाग दौड़ के जिंदगी माही योग के महत्व और अधिक बढ़ जात हवे। वहाँ रोज कम से कम आधा घंटा के आसन और प्राणायाम करे चाहिए। रीमा माही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का ध्यान में रख के आबकारी अपराधी के खिलाफ अब अभियान चलावा जा रहा है। एमा अभियान के तहत 72,215 रुपया के अवैध मदिरा का जब्त की है। अपना का बताई दी कि इस समय जानकारी मिली कि देसी हाथ और भट्टा विदेशी मदिरा बियर 155 लीटर जब्त की गई है। वह 2,740 किलो के महुआ के लहान घलाई जब्त की है। बात करें थे रीमा के समान थाना में चले वाले बाल संप्रेषण गृह के, जहां कुछ समय पहले बाल अपचारी के बीच में ही साफ सफाई का लेके झगड़ा भरा रहा और आधा दर्जन से अधिक लड़िका बाल अपचारिन के संगे मारपीट करें। बतावा जात है कि सफाई का लेके विवाद शुरू भरा रहा है। मामला माही एक किशोर के संगे मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस अलग अलग धारण माही मामला दर्ज करके विवेचना कर रहा है। वहीं घटना के बारे में ही बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक अनिल जैन बताएं कि बाल संप्रेषण माही कुछ लड़िका जे हमा उ वयस्क हमा जे साफ सफाई का लेके बाल अपचारी के संगे झगड़ा करिन और दूसरे साथिन के साथ मिल के मारपीट करिन हिबे। बेर बेर समझाइश दिन जाति बे पर गंभीर मामलन माही जे बाल अपचारी बंद था उ वयस्क होए के कारण आए दिन में के समस्या खड़ी करा था। रीमा माही ढेगहा के रहे वाले 65 साल के बुजुर्ग का उनका लड़का अपने घर से काट दिए। जर्जर और गंभीर हालत में ही 3 दिन से रीवा के रहे वाले सिराज खान मऊगंज के यात्री प्रतीक्षालय में ही परे हमा। बतावा जाता है कि बुजुर्ग के 5 लड़का हमा पैदू लड़का उनका परेशान कह के घर से बहरे भगाए दिन। कितने कई साल के हो गया? कितने साल के हो गए? 65 रम बताए।
चुनाव के माहौल में ही बरसात के मौसम में किसान अपने खेतन में बुवाई के साथ है साथ चुनावी बहार का झेल रहा है। अपना का बताई दी कि की पुण्य के किसानन के संग है खाद बीज की समस्या खड़ी हुई गई है। यह समस्या खास करो किसानन का अधिक ही है जिनका ऋण पुस्तिका बैंक में बंधक पड़ी है। आई अपना को सुनाए थे किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी का कहे गलती में मिला ही तो मैंने कहे कुहन जी दे जाए इतनी पब्लिक मर रहा थी भूखे प्यासे लड़का बच्चा मैंने छोड़ के गा। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं डीजल भी महंगा है। हमारे किसान खेती की तैयारी में है, खरीफ की तैयारी में है। हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक तुगलकी आदेश जारी किया था कि जिन किसानों की भूमि कहीं मॉर्गेज है उन्हें खाद नहीं दी जाएगी। दो सालों से हमारे किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान है। आप सोचिए कि सहकारी समितियों से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पहले किसानों को 0% में सहकारी समितियों से खाद मिल जाती थी। अब शासन ने ये नियम बनाया है कि हमारे रीवा केंद्रीय सहकारी बैंक ने ये नियम बनाया है, समस्या परे है। रीवा माही कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक माही कलेक्टर मनोज पुष्प स्वास्थ्य विभाग के कामन के समीक्षा करें। कलेक्टर इस समय कहें के सबसे जरूरी आम जनिन का स्वास्थ्य सुविधा दे भवे। डाटा भरे से अधिक जरूरी है कि कौनो गर्भवती महिला के सुरक्षित प्रसव के सुविधा दी जाए। वही मामलन माही लापरवाही करे वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई घलाई की जाये। एक साथ है जिला कलेक्टर पहल चरण में होने वाले चुनावन का ध्यान में रख के अलग अलग निर्देश दिन जौने से चुनाव का शांति और सुरक्षा के साथ पूरा करावा जा सके। आज के बुलेटिन में इतने। बकेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बकेली समाचार। नमस्कार।